नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। ऐसे तो हाथी आपने अमूमन चिड़ियाघर में देखा होगा, अब हाथी जंगलों में भी है। यहाँ झारखंड की जंगल में हाथी अमूमन घूमते नजर आते हैं, लेकिन कल देर रात का वाक्या ऐसा हुआ कि हाथी जंगल से निकलकर विधानसभा तक पहुंच गया। जी हाँ, हाथी का जो झुंड था वो रांची से सटे नगरी के जंगलों में विचरण कर रहा था और वहां से एक हाथी बिछड़कर विधानसभा की सड़कों पे आ गया और विधानसभा के इर्द गिर्द घूमने लगा। जब मामला प्रशासन तक पहुंचा तो प्रशासन के लोग वहां जुटे और पुलिस प्रशासन ने सायरन बजाकर उस हाथी को भगाने का काम किया, लेकिन सायरन बजाते ही हाथी और उत्तेजित हो गया। लेकिन आधी रात होने की वजह से सड़कों पे कोई नहीं था तो हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बाद में प्रशासन ने पटाखे जलाकर इस हाथी को भगाने का काम किया है। तो देखिए कैसे प्रशासन के लोग हाथी को भगाते नजर आ रहे हैं विधानसभा परिसर से। अभी रात के 2:28 हुए हैं, मैं विधानसभा के पास में हूँ। यहाँ पर एक हाथी आ गया है, वो अंदर काफ़ी अंधेरा में नहीं दिख रहा है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर मौजूद हैं। देखिए वो सामने मसाला वगैरह भी जल रहा है। तिरिल के पास विधानसभा, ये देखिए विधानसभा के गेट तक हाथी आ गया था काफी संख्या में। ये काफी देखिए वहाँ मसाल भी जल रहा है, हाथी आया हुआ है। पब्लिक न्यूज रांची के लिए प्रभात कुमार राजन। तो देखा आपने कैसे रांची पुलिस हाथी को भगाने में कामयाब हो गई। आपको ये भी बता दें कि झारखंड जो वन विभाग है, वन विभाग ने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे हम लोग हर जगह जो भी जंगल है वहाँ पे एक सेंसर लगाया गया कि हाथी कब और कहाँ विचरण करते हैं और किस डायरेक्शन में जाते हैं। वन विभाग इस बार पूरी एहतियात बरत रहा है कि इस तरह की दोबारा कोई घटना घटित ना हो जाए और हाथी जंगलों से भटककर शहर की ओर ना चले आए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।